गोवा के पश्चिमी विभाग में समंदर का किनारा होने के कारण वहाँ के लोगों का टूरिज्म ही बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है, और पूर्वी विभाग में पहाड़ियाँ होने के कारण वहाँ के लोगों का खेती ही व्यवसाय बन गया है। लेकिन पहाड़ों पर बड़े बड़े लोहे और बॉक्साइड के खान होने के कारण यहाँ के लोगों की खेती बुरी तरह बर्बाद होती जा रही है। मैं भी इन्हीं पहाड़ी इलाके का होने के कारण मैं आज आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ के किसानों की हालत क्या है। मानिंगा लगन पावसा शेताचेर असो परिणाम जाता की वयली पळय हे आसा पळय न्हू रिजेक्शन ते सगळे शेतां येता आनी शेतां भरता आनी तेजी मूळ आसा ते घट्ट धरता आनी ते शेत मरता मागीर तेजी हे भात जायना तेका पोल चड जाता आनी अशें करून लॉस जाता आनी गिमाक उदक मानीची पिठां वयता आनी शेतां उदक मेळना तेन्नाय बी गिमाचे आपय न्हू तेंय पिड्ड्यार जाता। जेन्ना एक गांवांत मायनींग चालू जाता तेन्ना तो मायनीचो जो वायट इफेक्ट आसा फक्त गांवाचेरूच आसना, तर तो इफेक्ट सगळ्या ज्या जाग्यार न्हंय ती व्हांवता थंय ते पर दिश्टी पडटा। कारण ती न्हंयक एक म्हणजे आयर्न ओर वाडटा, दुसरी म्हणजे उदका मदत जे नुस्तीं बिस्तीं जी आपली जी ताती घालपाची तांची जी आसता तांचे सगळे बंद जाता, दुसरी म्हणजे जे मायनींग सिल्टा ते सगळे वचून थंय प्रत्येक ज्या जाग्यार लो लायिंग आसा थंय वचून पडटा। दुसरो हाजो सगळ्यांत वायट इफेक्ट म्हणून असो जी आमची न्हंयो ज्यो आसा ती एक मनशां घातले शिरो कशी आसतात। आनी हे जेन्ना रेबो शेतां येता शेत पिड्यार येता तेन्ना तुमी एग्रीकल्चरां किंवां बाकी कडेन मायनिंगाच्या डिपार्टमेंटाक कंप्लेन बी कितें करता काय कितें? मायनींग डिपार्टमेंटाक कंप्लेन करता, मामलेदारा कडेन कंप्लेन करता, मागीर डेप्युटी कलेक्टरा कडेन कंप्लेन करता, कांयच हे जायना। तेचे ते कित्याक जायना अशें दिसता तुका? फक्त ते मायनींग जे कंपनी आसा तेंका पेमेंट करता की एक्शन बिक्शन कांय घेयनाका अशें। समज न्ही अशें मायनिंगाचें उदक शेतां येत रावलें आनी शेत सगळीं पिड्यार जावपाक लागलीं जाल्यार तुमचेर कसली पाळी येतली? आमच्या पाळी म्हणजे आम्ही उपाश मारचे पडले, कित्याक आणि आमकां दुसरे आणि काय ना इन्कम म्हणजे ना सर्विस ना काय ना फक्त डिपेंड शेताचेरच आता असं असं झालं जायत आणि उरचे ना आमचे लाईफ पिड्या झाले। खान और खादान से गोवा के लिए फायदा जरूर होता है, लेकिन ये फायदा गोवा वासियों के लिए नहीं है, ये फायदा सिर्फ बड़े बड़े कंपनी लोगों के लिए ही होता है। जब भी सरकार ने किसी भी खान और खदान को परमिशन देते समय यहाँ के आम लोगों के समस्याओं को ध्यान में जरूरी रखना है। इंडिया अनर्ड के लिए मैं देवीदास गांवकर गोवा के सांगे और केपे तालुका से।